हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है अर्थक्वैक, उसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ अर्थक्वैक्स, यानी कि भूकंप के प्रकार। भूकंप कई प्रकार के होते हैं, इसके वर्गीकरण के निम्न आधार हैं, जैसे कि ये प्राकृतिक आधार पर इनको बांटा गया है और अप्राकृतिक आधार पर बांटा गया है, यानी मानवीकृत। तो प्राकृतिक भूकंप यानी कि नेचुरल अर्थक्वेक, बड़े बड़े भूकंप प्राकृतिक कारणों से आते हैं, ये बाह्य एवं आंतरिक शक्तियों का परिणाम होते हैं। आपको बताया गया था कि पृथ्वी पर अंतर्जात बल और बहिर्जात बल काम करते हैं, तो उन्हीं के परिणाम स्वरूप भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो जो बड़े भूकंप होते हैं उनमें अंतर्जात बल और बहिर्जात बल प्रमुख होते हैं। तो जो प्राकृतिक भूकंप होते हैं उन्हें पुनः कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि उत्पत्ति के कारण के आधार पर, ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है तो उनके कारणों के आधार पर। इस दृष्टि से भूकंप को चार वर्गों में रखा जा सकता है। फर्स्ट है ज्वालामुखी भूकंप, वोल्केनिक अर्थक्वेक, यानी कि जिन भूकंपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी के कारण होती है उन्हें ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। सेकंड है विवर्तनिक भूकंप, ऐसे भूकंप जिनकी उत्पत्ति प्लेटों के संचरण के कारण होती हैं, अर्थात प्लेट टेक्टोनिक के कारण होते हैं, उन्हें विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। थर्ड है समस्थितिक भूकंप, ऐसे भूकंप जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के असंतुलन के कारण होते हैं उनको समस्थितिक भूकंप कहते हैं। और फोर्थ है पातालीय भूकंप, यानी कि प्लूटोनिक भूकंप, ऐसे भूकंप जिनकी उत्पत्ति पाताल में रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण होती है उन्हें पातालीय भूकंप कहते हैं। और बी पॉइंट है हमारा कृत्रिम या मानवगत भूकंप, यानी आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, जिन भूकंपों के आने के कारण प्राकृतिक न होकर मानव के रचनात्मक कार्यों जैसे खान व सुरंग खोदने, बड़े बड़े भवनों के निर्माण करने, पुल बनाने, रेल बनाने, रेल मार्ग यानी कि ट्रक, जलाशय एवं बांधों के निर्माण अथवा विनाशात्मक कार्यों जैसे कि बमों का विस्फोट परीक्षण आदि का परिणाम होते हैं उन्हें मानवकृत या अप्राकृतिक भूकंप कहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा भूकंप मूल की गहराई के आधार पर। ये तो थे भाई प्राकृतिक आधार पर भूकंप, और ये हैं भूकंप मूल की गहराई, यानी जो भूकंप का मूल है, उत्पत्ति केंद्र है, उसकी गहराई के आधार पर भूकंपों को बांटा गया है। गुटनबर्ग तथा ओल्डहम ने गहराई के आधार पर भूकंपों को निम्न तीन भागों में बांटा है। इसमें फर्स्ट है उथले यानी कि छिछले भूकंप, यानी कि सैलो अर्थक्वैक, जिन भूकंपों की उत्पत्ति का आधार या मूल 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पर होता है उन्हें उथले भूकंप कहते हैं। ये अपेक्षाकृत अधिक विनाशकारी होते हैं। सेकंड नंबर है मध्यम गहराई वाले भूकंप, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, जब भूकंप मूल की गहराई 50 से 250 किलोमीटर तक होती है उसे मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं। ये प्राय विवर्तनिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है गहरे भूकंप यानी कि डीप सी अर्थक्वेक, वे भूकंप जो 250 से 700 किलोमीटर की गहराई या इससे अधिक गहराई पर उत्पन्न होते हैं उन्हें गहरे भूकंप यानी कि पातालीय भूकंप कहते हैं। ऐसे भाई 700 किलोमीटर की गहराई तक ही अब तक भूकंप की जानकारी हुई है, इससे अधिक गहराई पर
जो भूकंप की उत्पत्ति होती है, ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। नेक्स्ट है भूकंपों का विश्व वितरण, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। विश्व में अधिकांश भूकंप नवीन मोड़दार पर्वतों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में आते हैं। ये बता रहा है कि जो अधिकांश भूकंप है वह नवीन मोड़दार पर्वत, यानी कि जो वलित पर्वत होते हैं उनको नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। और ये इनका निर्माण कैसे होता है, जब दो बल एक दूसरे की ओर कार्य करते हैं तब वहाँ पे नवीन मोड़दार पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, तो विश्व में अधिकांश भूकंप नवीन मोड़दार पर्वतों या समुद्र तटीय क्षेत्रों में आते हैं। और विश्व में भूकंपों की निम्नलिखित तीन पेटियां हैं, जो प्रमुख तो तीन पेटियां हैं भाई, कौन कौन सी। फर्स्ट है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, यानी कि सरकम पैसिफिक बेल्ट। यह पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर द्वीपों तथा महाद्वीपों में फैली है। विश्व के लगभग 63% या 2/3 भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर क्यूराइल, जापान, फिलीपींस, पूर्वी द्वीप समूह, चिली, पेरू, मध्य अमेरिका, अलास्का आदि इसी पेटी में स्थित हैं। तो भैया जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली है, इसमें विश्व के सबसे अधिक भूकंप आते हैं और इसमें पेटी में एक जापान देश स्थित है, उसमें लगभग 10 से 12 भूकंप प्रतिदिन आते हैं और इसीलिए उसे भूकंपों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी कि मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इस क्षेत्र में विश्व के 21% भूकंप प्लेटों के अभिसरण के कारण आते हैं। अभिसरण क्या होता है, जब दो बल एक दूसरे की दिशा में काम कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं अभिसरण। ठीक है, तो यानी यहाँ दो प्लेटें एक दूसरे की ओर अभिसरण कर रही है, यानी कि एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। जो भ्रंश मूलक एवं संतुलन मूलक होते हैं, यह पेटी पुर्तगाल, इटली, स्पेन, यूनान, तुर्की, ईरान तथा उत्तरी भारत, चीन एवं म्यांमार तक फैली है। इसको अल्पाइन पेटी यानी कि आल्पस एवं माल्य का संयुक्त नाम है, यह अल्पाइन भी कहते हैं। और नेक्स्ट पेटी है हमारी मध्य अंध महासागरीय पेटी, यानी मिड अटलांटिक बेल्ट। इसका विस्तार अंध महासागर में उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। यहाँ प्राय ज्वालामुखी भी फूटते रहते हैं। इस पेटी में कम तीव्रता के भूकंप आते हैं, जो प्लेटों के अपसरण से रूपांतरण, वनस के निर्माण एवं ज्वालामुखी के उद्गार के कारण आते हैं। में कुछ छोटे मोटे क्षेत्र भी हैं, जैसे कि वह पूर्वी अफ्रीकन पेटी, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पूर्व में एक पेटी है। और नेक्स्ट है हिंद महासागरीय पेटी। आगे बढ़ते हैं, भूकंप से हानियां भाई कितने विनाशकारी होते हैं, ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो पढ़ के। भूकंप से अपार जनधन की हानि होती है, लाखों व्यक्ति मारे जाते हैं तथा मकान टूट जाते हैं और वे अचानक ही बेघर हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है आधारभूत संरचनाओं जैसे पुल, रेल की पटरियां, भवन आदि की क्षति। भाई जिस क्षेत्र में अचानक, क्योंकि भूकंप तो अचानक ही आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पुल टूट जाते हैं, रेल की पटरियाँ टूट जाती हैं, भवन ढह जाते हैं और उनमें जो मानव जीव रहता है वह भी दबकर मर जाता है।
या दबकर दब जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूकंप के कारण भूस्खलन, बाढ़, आग लगना जैसी आकस्मिक दुर्घटनाओं का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शैलों में दरार पड़ने से वहाँ का भौगोलिक स्वरूप बदल जाता है। भाई कोई क्षेत्र समतल है और वहाँ पे दरार पड़ गई तो क्या होगा, वह वहाँ का भौगोलिक स्वरूप चेंज हो जाएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्री क्षेत्रों में विनाशकारी सुनामी लहरें उठती हैं जिनसे अपार धन धन की हानि होती है। अब ये तो भाई हानियाँ थी, अब इससे कुछ लाभ भी होते हैं, तो बेनिफिट्स बाई अर्थक्वेक्स। भूकंप से गर्तों का निर्माण होता है, यानी कि डीप्स का निर्माण होता है, जिसमें जल भरने से झीलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, भूकंपीय लहरों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भाई देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लेने का सबसे उत्तम साधन क्या है, भूकंप, जो भूकंपीय तरंगे हैं वह ही सबसे उत्तम साधन है प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी भूकंप से नए धरातलीय क्रस्ट का निर्माण होता है। फिर फोर्थ पॉइंट है, तटीय क्षेत्रों में भूकंप आने पर जलमग्न भूमि समुद्री सतह से ऊपर उठ जाती है, इससे उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि कभी कभी भूकंपों के कारण समुद्र तटीय भूमि नीचे धस जाती है तथा वहाँ बंदरगाह गहरे हो जाते हैं, अगर नहीं है तो वहाँ बंदरगाह के लिए उपयुक्त दशाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। तो भाई ये हमारा जो टॉपिक भूकंप है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।